हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग आर चैनल। तो भाई आज फिर से खेलेंगे फार्मिंग सिमुलेटर 22 और इंडियन मोड चैलेंज। और भाई अपना स्वराज 855 आप देख सकते हैं भाई, बिल्कुल हमने चेंज कर दिया है, आपने पहली वीडियो में देखा होगा। तो भाई ये मैंने नया ट्रैक्टर बाय किया है स्वराज का। तो एक अपने पास था भाई रेड फायर, तो वो मैं भाई घर छोड़ आया था और ये लेके आ चुका हूँ। तो भाई टेस्टिंग करनी थी यार इसकी, तो मैंने सोचा यार ट्रॉली के पीछे डाल के तो आज इसकी भाई टेस्टिंग भी की जाए। टेस्टिंग वैसे कर ली थी, आपने देखा ही होगा वीडियो में। थोड़ा सा भाई मैंने कलर वगैरह चेंज कर दिया, देखो यार इंजन वगैरह का, तो देख सकते हैं भाई बम्पर चेंज किया, LED लगा दी डबल डबल, जैसे भाई GTA 5 में वैसे करने की कोशिश की है इसको। और ऊपर भाई फ्लैशर लगा दिए मैंने, और भाई सीलिंग लाइट भी लगी हुई है, 6 लाइटें लगी, और अपना भाई पंकज गेमिंग RX का लोगो लगा है। साइलेंसर की हाइट बड़ी कर दी हमने। ओके, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं कि भाई टायर है जो चमकने लग पड़े हैं आप देख सकते हैं, और ये साइड में एंगल लगा दिए। तो पहले ट्रैक्टर देखा होगा तो भाई सिंपल था, और व्हील भाई देखो पहले घूमते थे, अभी भाई बिल्कुल बंद कर दिए, बिल्कुल भाई रुक जाते हैं। अभी देख लेते हैं भाई लाइटें साइटें, ये देखो पुलिस लाइट भी बता देता हूँ भाई आपको मैं, ये देखो ठीक है। तो करते हैं भाई स्टार्ट ट्रैक्टर को, और लाइटें साइटें देख लो भाई, इसके अंदर भी लाइटें हैं, जहाँ फ्रंट लाइटें हैं अंदर की तरफ करती है, उस वजह से आपको दिखनी हो रही होगी, क्योंकि भाई लुक ख़राब हो जाती है ट्रैक्टर की। और आप आगे बाहर लाइट देख सकते हैं भाई, देखो भाई अब व्हील बिल्कुल नहीं घूमता है। तो भाई बंद कर देते हैं अब, तो मशीन अपनी भाई लेके चलते हैं खेत में, क्योंकि सामने मेरे घर के पास ही भाई बंदे के दो भाई चार कनाल जगह है, वो काटनी है, एक ये बीट के, दोनों साथ में खेत हैं। तो आज भाई इसका काम ख़त्म करेंगे, मशीन में चलते हैं और तेल पानी चेक करते हैं भाई मशीन में। 2 दिन हो गए भाई मशीन भी नहीं चलाई है, आपको पता ही था भाई ट्रैक्टर लेने गया था 855, और भाई चेकिंग की हमने अपने दूसरे मैप में, तो फिर इस मैप में भाई आ नहीं पाया हमें। तो चलते हैं भाई, तो मशीन अपनी स्टार्ट हो चुकी है। यार साउंड मुझे कम सुन रही है भाई, पता नहीं आपको कैसे सुन रही होगी। ओके, तो अब भाई हम उड कहाँ गए अपनी, तेल सही है भाई मशीन में, मशीन को कर लेते हैं गर्म। भाई सुबह का टाइम है, 9:30 होने वाले हैं, और बारिश का मौसम है बिल्कुल भाई देख सकते हैं। तो ये नहीं कह सकता कि भाई होगी या नहीं होगी, ये भाई ऊपर वाले को पता है, पर अपना भाई पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए। हेडर उठा लेते हैं, और भाई ज़बरदस्त सा गाना लगा लेते हैं ठीक है, और रेडियो की साउंड भाई थोड़ी कम कर लेते हैं ठीक है। अब चलते हैं, मशीन का लगा देते हैं भाई। ओके, हॉर्न सहरन भाई, लाइटें साइडें सही है मशीन की। 2 दिन हो गए भाई मशीन स्टार्ट नहीं की है, चलो अब चलते हैं खेत की तरफ। तो ये है भाई खेत बंदे का, तो थोड़ा सा काम मुश्किल है भाई, देखो यार कंपाइन है जो काफ़ी बड़ी है यार, यहाँ पे भी फ्लैशर लगाएंगे यार मशीन पे भी भाई। तो दोनों खेत भाई बंदे के हैं, तो जहाँ मर्जी से काटो, खेत भी बड़े बड़े हैं भाई, 4 या 5 कनाल जगह है, तो कोने से चलते हैं भाई, वो देख सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं, अब रेडियो की बात साउंड मुझे बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मशीन की साउंड आएगी। ओके, मशीन चढ़ पड़ी है भाई अपनी, अब बैठे चलते चल रही है ना, सही है। गंदी भी होगी भाई मशीन पे, कपड़ा नहीं मारा हमने, बिल्कुल चला दिया ऐसे, कोई चक्कर वाली बात नहीं। अब चलते हैं भाई मशीन के अंदर और पाइप निकालते हैं बाहर। अब चलते हैं भाई धीरे धीरे, इसका लगाते हैं मीडियम का पहला, भाई बाकी कंपाइनों का 14 फुट का कट रहा है, भाई इसका 15 फुट का कट रहा है यार मशीन का, मैंने भाई अंदाज़ा लगाया, अंदाज़ा नहीं नाप के देखा था। पेड़ है भाई यहाँ पे थोड़े से,
से थोड़ा सा बचा के भाई। भाई मशीन है जो पूरे 2200 आरपीएम है भाई, इसके 2200 आरपीएम से मैं 2100 आरपीएम पे रखता हूँ, 100 आरपीएम कम ही रखता हूँ मशीन के। नई नई मशीन है भाई, आरपीएम वैसे जरूरत नहीं पड़ती भाई मुझे 2200 आरपीएम पूरे लगाने, वैसे बढ़ा भी सकता हूँ भाई इसकी रेस, कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो इंजन में लोड पड़ेगा ना आपको पता ही है। तो भाई खेत से ही मोड़ लेते हैं यार, अटक गई भाई, अटक गई कहाँ अटकी है मशीन। चलो ड्राइवर भाई खेत गीला है यार, मशीन चल नहीं रही। ये देखो भाई टायर देखो, चढ़ाई भी यार है यहाँ पे भाई, बट इसको बोलते हैं यार, ये देखो खेत की गहराई देख सकते हैं भाई, ये खेत ऊंचा है वो थोड़ा सा नहीं भाई नीचे की तरफ है। साइड से गेड़े लगा लेने चाहिए थे पर भाई दिमाग से बात ही निकल गई। तो भाई अब मेरे ख्याल से एक दो दिन का काम हो रहा है, फिर तूड़ी का सीजन स्टार्ट कर देंगे, तूड़ी वगैरह बनाना स्टार्ट कर देंगे यार। तो तूड़ी वगैरह भाई बनाना स्टार्ट कर देंगे हम। भाई अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई मशीन को मोड़ने में, कोई चक्कर नहीं भाई, पक्के हैवी ड्राइवर हम। कतार 4000 भाई छूट गया, खेत भी भाई थोड़ा सा ऊपर बड़ा छोटा है यार। चलो कोई नहीं, यार ये खेत में थोड़ा सा गीला बना मशीन फंस ना जाए। देखो भाई आधे से ज्यादा टायर जो फंस गए हैं मशीन के, स्लिप निकाल रही है यार यहाँ पे। दो कनाल भाई इस तरफ है,
दो कनाल से ज़्यादा दूसरे खेत में है, तो मेरे ख्याल से भाई दो साढ़े चार कनाल से ऊपर ही लगती है भाई मुझे इस बंदे की। कोई नहीं यार, हिसाब कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। भाई थोड़ा सा हमें रेडिएटर पे जो कपड़ा मारना पड़ेगा, हमें मशीन है जो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो इस खेत में मिट्टी भी बहुत ज़्यादा थी, तो भाई अब मशीन पे थोड़ा सा, अरे कहाँ गया, कपड़ा कुपड़ा मार ले। अरे यार बैठता ही नहीं भाई ये बंदा, थोड़ा सा भाई हम ठीक है, ठीक है भाई रेडिएटर हो गए साहब, तो थोड़ा बहुत भाई कपड़ा मारना पड़ता है यार मशीन पर, बाकी टंकी पे भी माल हो गया भाई, कितना हो गया 16% भाई, 16% मशीन डैमेज हुई है बनी, अब पता नहीं भाई कहाँ क्या डैमेज हुआ है, पता नहीं लगेगा, तो मेरे ख्याल से गंदगी वगैरह ही हुई है मशीन में, बाकी तो कोई चक्कर वाली नहीं। चल बैठते हैं भाई मशीन में, तो ये खेत काटना बंदे का। चलो भाई कटाई बहुत ज़्यादा मशीन की, देखो भाई इतनी सी जगह पे घूम गई मशीन, तो ये थोड़ा सा खेत बड़ा है, लंबाई थोड़ी ज़्यादा है भाई खेत की, तो देखो भाई खेत थोड़ा सा उल्टा सा हिसाब है यार, ये पेड़ कहाँ से आ गया बीच में, भाई बारिश यार सुबह सुबह देखो बादल हो चुके हैं, तो बारिश हो सकती है भाई कि नहीं ये तो ऊपर वाले को पता है, भाई बैक करने में भलाई है मशीन की, नहीं तो फिर ओ बस हो भाई बस, इतना मतलब कि भगाने की कोशिश नहीं, जरूरत नहीं भाई मशीन को, तो भाई वाहन से भी काट सकता है पर मैं प्रॉपर भाई खेत को काटना चाहता हूँ, भाई माल है जो मशीन के बाहर आना स्टार्ट हो चुका है, देखो भाई ये देखो ऊपर से दिखाता हूँ, देखो पाइप भाई बाहर की तरफ निकालनी चाहिए थी मुझे, मैं गलत आ गया, चलो कोई नहीं, आजा आजा ट्रैक्टर लेके भाई मुझे आना पड़ेगा, एक मिनट यार, अगर भाई ये आ जाए खेत में तो अच्छी बात है, नहीं भाई, अरे यार कहीं तो आ जा,
क्रिएट जो भाई यहाँ पर गो नहीं भाई, तो मुझे जाना पड़ेगा भाई ट्रैक्टर लेके। भाई दिन में लाइटें जलाइए लोग, क्या बोलें यार। वैसे जरूरत तो नहीं भाई, ऐसा करते हैं ट्रॉली खेत में छोड़ देते हैं। अब मशीन भी भाई उल्टी लगा रखी मैंने। मशीन को भी भाई स्टार्ट रख के भाग गया मैं। तो भाई यहाँ से घुमा लेते हैं मशीन को, अगर एक गेड़ा लग जाए तो अच्छी बात है। नहीं लगेगा भाई गेड़ा। ट्रैक्टर किस तरफ है यार? मशीन भी दबना स्टार्ट हो गई भाई। ओए ओए। चलो भाई मैं ट्रैक्टर पे बैठ गया यार, अभी भी ट्रैक्टर पे बैठा हूँ भाई। ट्रैक्टर तो बंद करें यार। तो भाई मशीन की टंकी जो खाली हो गई है, अब चलते हैं फिर से काटते हैं। अब देखो भाई बिल्कुल लाइन पे आई है मशीन। तो भाई ज़्यादा काम नहीं रहा है, चार पांच किले जो बचे हैं सभी के मिला के। बस ये है कि बीज के सिवाय कुछ लोगों ने कुछ और भी फसल लगा रखी है। अब देखो यार यहाँ पे फसल है भाई, यहाँ से घुमा लें या जरूर किसी से गाली सुननी है तो भाई मोड़ने का पक्का है। और कुछ हुड मैंने ड्राइव कर दी गलती से भाई, गियर कौन सा लग अरे यार। भाई औखा कम, औखा कम भाई। साइड साइड से लगाते हैं आप गेड़े। अरे यार कमबख्त पेड़। यहाँ से छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये पेड़ तो भाई टहनी कुछ ज़्यादा ही बाहर की तरफ है। मशीन को नुकसान ना कराना भाई अपने। ब्रेक भाई दबना स्टार्ट हो गया मशीन की क्योंकि इंजन वगैरह गर्म हो भाई, इसके लदर सदर भी गर्म हो गए।
तो जिसमें भाई डिस्क ब्रेक ही है नॉर्मल। कान दर्द होने लगे, मशीन की साउंड इतनी तेज है। भाई एक गेड़ा रह गया और तो एक गेड़े के बाद खत्म। भाई इसका कलर तो उतर गया यार, पाइप का कलर देख सकते हैं भाई फीका पड़ गया। एक मिनट भाई मैं देखूं ये मेरे तो नहीं प्रॉब्लम आ गई भाई, कहीं कहीं ना कहीं मेरे इसका लगता है भाई। नहीं 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 भाई इसमें तो सही है, नहीं मशीन में तो भाई साफ है। तो ये भी भाई अपने पास स्वराज है, स्वराज भी है भाई, प्रीत भी है अपने पास। ये देखो कंपनी ने भाई सभी रखी हैं यार, और ये थोड़ी सी पुरानी आ गई है भाई। हिंद भी है अपने पास मेरे ख्याल से, हिंद भी है भाई। ये देखो सही है भाई, हिंद भी पर्दे सड़दे लगे हैं भाई, नई कंपनी है ये भी, नया मॉडल तैयार किया भाई। अब जैसे जैसे भाई अपना बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे और भी कंपनी खरीदते जाते हैं। अभी तो स्वराज और अपने पास भाई ये क्या बोलते हैं यही है भाई। देखो ढेर कितना मसाला लगा दिया है वहाँ पे। भाई ये देखो ये एक ये मतलब कि ढेर को भी खा जाती है ये देखो। चल 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 भाई ये भी दबना स्टार्ट हो गई। कैमरे का सिस्टम करना पड़ेगा यार, सही अंदर से रहता है हर वक्त। तो ये लास्ट गेड़ा भाई है सामने, कुछ क्या है तो भाई कुछ हो सकता है।
10 बज गए भाई, आधा घंटे से ज़्यादा हो गया हमें टाइम भाई ये फसल काटते। चलो भाई ये तो हो गया, अब लगाएं भाई इसका हाई गियर। ज़्यादा माल नहीं निकला भाई मेरे ख्याल से, 50% ही निकला है, तो मंडी तो हम कल चलेंगे। अभी आज का टाइम भाई यहाँ पे ऐसे निकल गया, तो सर्विस भी करवानी है भाई मशीन की। वो तेरी होए भाई, पलटने वाली थी मशीन। मशीन का तो भाई बिल्कुल हालत तो बहुत ही ज्यादा खस्ती कर दी हमने भाई। लो भाई मशीन कर दी बंद, ट्रैक्टर अपना कहाँ गया भाई, ट्रैक्टर भी जो खेत से बाहर ले आए, मंडी तो बाद में चलेंगे। दबना स्टार्ट हो गया ट्रैक्टर, टायर बड़े करवाने से भाई ट्रैक्टर की कटाई भी कम हो जाती है यार। इसको भी भाई कपड़ा सपड़ा मारना पड़ेगा, तो इसको भी यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, ठीक है। लाइटें साइटें बंद, ओके। तो भाई कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताना है, और ऐसी वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं, और भाई सबसे पहले बता दूँ यार, मैं भूल गया भाई आपको बताना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो भाई इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, अपना चैनल दूसरा भी है भाई उसको भी जाके फॉलो कर लेना। तो भाई कल मिलते हैं, अभी तो भाई मैं मशीन की सफाई करूंगा, तो बाकी कल की वीडियो में देखना भाई क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी को नई वीडियो लेके, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।